चैप्टर नंबर 3 में तीन जो बातें डिस्कस करने लगे हैं, तो इनका एक बड़ा अच्छा अंदाज़ है बुक के राइटर का कि बुक के पहले ही पेज पे ना ये बता देते हैं कि अच्छा जी ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये नंबर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने जो CV बनाई थी उसमें आप लोगों ने लिस्ट का इस्तेमाल किया था, एक था ऑर्डर्ड लिस्ट एक था अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो आप लोग लगा के देख चुके हैं। तो ये जो नंबर्ड लिस्ट है ये असल में ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहा है, वो इस चैप्टर में पढ़ाने जा रही है। उसके अलावा बुलेट लिस्ट जिसमें नंबर नहीं लिखा हुआ आएगा, बुलेट्स बने रहेंगे, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो आप ऑलरेडी अपने CV में इस्तेमाल कर चुके हैं। सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल कर लिया इसको। अच्छा, उसके अलावा एक तीसरी किस्म भी है लिस्ट की जिसको डेफिनेशन लिस्ट कह रहे हैं ये, तो ये भी इस चैप्टर में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसने चैप्टर का आगाज़ इस बात से किया है कि देयर आर लॉट्स ऑफ ओकेजन्स वेन वी नीड टू यूज़ लिस्ट, कि बहुत सारे ऐसे मौाक़े आएंगे हमें, ऑफकोर्स ये वेबसाइट बनाने के दौरान की बात कर रहे हैं या कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मौाक़े ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये तीन डिफरेंट तरह की लिस्ट है। अच्छा, तो आप में से कोई क्या इस बात पर रोशनी डालना चाहेगा कि कौन सा ऐसा मौका होता है जब लिस्ट बनाने की ज़रूरत हमें पड़ती है किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के अंदर? एक से ज़्यादा आइटम जब कहीं पे लिखने हो तो लिस्ट बनाना पड़ता है, लेकिन वो हेडिंग भी तो हो जाती है, दो तीन हेडिंग भी तो डाल देते हैं या पैराग्राफ में कॉमा कॉमा डाल के भी तो लिख देते हैं, मगर कौन सी जब कोई बात सीक्वेंस में लिखनी हो तो लिस्ट ऑफ आइडिया डिफाइन करने हो, किसी चीज़ को कैटेगराइज करना हो। अच्छा, तो बिल्कुल आपने मोर और लेस सब लोगों ने सही जवाब दिया कि जहाँ पर दो या तीन आइटम्स होते हैं तो वहाँ पे तो मैं पैराग्राफ में भी लिख देता हूँ कॉमा कॉमा डाल के, ठीक है ना। जैसे कि एक कोई रेसिपी लिख रहा हूँ मैं, उसके मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, तो अब वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो दो तीन से ज़्यादा होंगे, तो अगर मैंने उसको पैराग्राफ में कॉमा कॉमा डाल के लिखा तो उसकी रीडेबिलिटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो मुझे फिर उस पॉइंट पर ज़रूरी होगा कि उसको मैं लिस्ट का इस्तेमाल करूँ। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि लिस्ट बनाने से क्या होता है, वो रीडेबल हो जाता है और बंदा वो पॉइंट गिन भी लेता है कि अच्छा जी ये इतने पॉइंट्स हैं। अगर वो पैराग्राफ में मैंने कॉमा कॉमा डाल के लिखा है तो वो समझ नहीं आता, वो रीडेबल नहीं होता वो। अच्छा, अब एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो कौन आप में से मुझे ये बताएगा कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है, कौन से पॉइंट पे मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करनी होती है और कौन से पॉइंट पे अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये बुक आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी जैसा कि मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को। जी दोस्तों, अच्छा दोस्त ने बताया कि जहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रहा है, जहाँ पे नंबर आगे पीछे नहीं हो सकते, वहाँ पे नंबर लिस्ट का इस्तेमाल ज़रूरी है। और कोई कहना चाहे कुछ इस बारे में? कितने लोग इनकी बात से एग्री करेंगे? अच्छा, सब लोग एग्री कर रहे हैं, गुड यार। तो बिल्कुल ठीक, इन्होंने बताया कि जैसे रेसिपी का मैं जिक्र कर रहा था, तो रेसिपी के जो इन्ग्रीडियंट्स हैं, तो इन्ग्रीडियंट्स मिसाल के तौर पर 10 अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स हैं जिससे मिल के कोई रेसिपी तैयार होती है। जैसे कि कोई पकौड़े वगैरह की रेसिपी है या कोई भी बिरयानी की रेसिपी है, तो उसमें 10 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स के नाम में कोई नाम पहले लिख दूं या कोई नाम बाद में लिख दूं, इट डजेंट मैटर, ठीक है जी। तो कि बिरयानी के लिए चावल और वो गोश्त होना चाहिए, अब मैं चावल पहले लिख दूं या गोश्त पहले लिख दूं लिस्ट में, इट डजेंट मैटर। लेकिन अब उसी के नीचे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, अब उसके नीचे लिखा हुआ है तरकीब, स्टेप्स लिखे हुए हैं कि अच्छा जी सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो इसमें जो है वो सीक्वेंस मैटर कर रहा है। तो सबसे पहले अब मुझे नहीं पता क्या अंडा करना आता है मुझे, तो अंडे की मैं मिसाल लेता हूँ तो अंडे को बॉईल करने में सबसे पहले क्या होता है कि अंडे को वो प्याले में तोड़ना होता है, अच्छा सॉरी फ्राई करने के लिए, ऑमलेट बनाने के लिए, तो सबसे पहले ना उसको प्याले में तोड़ना होता है और फिर उसमें प्याज व्याज काट के उसको फिर फेंटा लगाना होता है। अच्छा, और नंबर 3 स्टेप में उसको फिर फ्राई करते हैं। तो अब इसका ये सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता, हम पहले ये नहीं कह सकते कि पहले फ्राई कर दें फिर उसको तोड़ें, ये तो नहीं हो सकता ना। तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है इसके अंदर, तो जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करेगा वहाँ पे नंबर वाली लिस्ट लगेगी, यानी कि ऑर्डर वाली लिस्ट लगेगी, ये भाई इसी ऑर्डर में ये होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे ना एक स्क्रैम्बल्ड एग करके कोई डिश है उसकी रेसिपी
की वेबसाइट एक बनाइए. अच्छा, तो बाई द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये एज्यूम कर रहा है कि इस तरह की एक वेबसाइट बन जानी चाहिए. अच्छा, तो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टास्क है. सीवी वाली वेबसाइट तो सब लोगों से बन गई है, उसमें जो जो कुछ हो सकता था वो सब आप लोगों ने कर लिया. अभी दूसरी वेबसाइट आपने बनानी है, रेसिपी की वेबसाइट. जैसे इसने लगाया ना स्क्रैम्बल्ड एग, तो आप सब लोग अपनी पसंद की कोई भी डिश, एक डिश लेके और आपने वो हेडिंग पे लगाना है और नीचे उसकी वो डिस्क्रिप्शन पूरा लिखना है कि अच्छा जी ये डिश पाकिस्तानी है डिश और ये पंजाब में खाई जाती है, एक्स वाई जेड जो भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है जो गूगल पे मिलती है डिस्क्रिप्शन. उसके बाद आपने उनके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और उसके बाद सारे उसके तरकीब के स्टेप्स लिखने हैं कैसे कैसे वो बनता है. तो ये आपकी ना एक रेसिपी की वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी. तो ये आपने ना बनाना है. अच्छा, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल इसमें सिखाया हुआ है. लेकिन आपका क्या होगा कि एक और असाइनमेंट बन जाएगा, एक और आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ मिल जाएगी. तो आपने अब इस रेसिपी की वेबसाइट में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है. आमतौर पर मेरी किसी भी क्लास में ना मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. आपको इमेजेस का इस्तेमाल आता है, आप इमेजेस का इस्तेमाल करें. आपको कोई एनिमेशन आती है, आप वो लगाएं. तो जो भी मैक्सिमम चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं, कलर्स अभी हमने नहीं पढ़े, लेकिन अगर आपको आता है इस्तेमाल कलर का, CSS आपको लगानी आती है तो वो भी आप लगाएं. ठीक है, कोई फ्रेमवर्क आप पहले से जानते हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह, तो आप उसका इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम. ठीक है जी, तो ये आपको एक असाइनमेंट मिल गया रेसिपी की वेबसाइट का. अच्छा, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को लिखने का तरीका बहुत आसान है. OL से स्टार्ट होता है और ये OL यहाँ पे क्लोज हो जाता है और दरमियान में ये LI का मतलब है लिस्ट आइटम. ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है और ये जितने इसमें LI होंगे ना उतने पॉइंट्स बन के आ जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, जैसे कि इसने 5 पॉइंट यहाँ पे बनाया तो इसने 5 दफ़ा LI का इस्तेमाल किया. ये वाला जो LI है वो एक लाइन पे, कुछ लिस्ट आइटम आप देखें थोड़े लंबे हैं तो वो 2 लाइन में भी जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये 2 लाइन में जाने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे देखें ये सिंगल लाइन में ही दिख रहा है रिजल्ट में उसको एक पॉइंट ही कंसिडर करेगा. जैसे कि वो जिक्र हुआ था ना शुरू में कि वाइट स्पेस को वो इग्नोर कर देता है, तो यहाँ पे जो वाइट स्पेस था उसको इसने इग्नोर कर दिया HTML ने. ठीक है, अगर हमें जानबूझ के लाइन ब्रेक लगाना है तो उसके लिए वो BR का हमने टैग पढ़ा था. अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना कुछ बात लिखी है इसके बारे में, कह रहे कि ब्राउज़र इंडेंट लिस्ट बाई डिफ़ॉल्ट. इंडेंट का मतलब होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड से अंग्रेज़ी की राइटिंग शुरू होती है तो लेफ़्ट हैंड से थोड़ा आगे करके उसको चलाता है. ठीक है, कह रहा है ब्राउज़र जो है बाई डिफ़ॉल्ट उसको इंडेंट कर देता है, थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का मार देता है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर इस पे जाकर देखेंगे तो ये हेडिंग बिल्कुल पेज के स्टार्ट से शुरू हो रही है लेकिन इसको थोड़ा सा इंडेंट इसने कर दिया है. लिस्ट को और अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट दोनों ही को इसने थोड़ा सा इंडेंट कर दिया है इन कंपैरिजन ऑफ पैराग्राफ और ये हेडिंग जो लगी हुई है. अच्छा, तो बस ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, बिल्कुल सेम तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी इस्तेमाल होता है लेकिन इसमें OL की जगह UL का इस्तेमाल होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट. और अंदर के लिस्ट आइटम देखें बिल्कुल उसी तरह सेम है बिल्कुल. और इसको भी ये ब्राउज़र जो है बाई डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा इंडेंट कर देता है, थोड़ा सा आगे कर देता है. अब तीसरी चीज़ है डेफिनेशन लिस्ट. अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर जो है ना, एक तो DL है, जैसे ULOL था तो DL है, तो DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट. अच्छा, DL के अंदर अब देखें क्या चीज़ है. एक है DT यानी डेफिनेशन टर्म और DD डेफिनेशन डेटा, ऐसे करके. तो वो हम जो बचपन में वो लिखते थे ना कि एक वर्ड दिया हुआ है उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो वो किस तरह की एक लिस्ट बनती थी. तो दैट लिस्ट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट ना. जैसे एक तो रेसिपी वाली लिस्ट हमने देखी कि अच्छा जी 1 लिखा हुआ है, तरकीब नंबर 1 अंडे को तोड़ें, तरकीब नंबर 2 उसमें प्याज काटें, तरकीब नंबर 3, तो ये तो 1, 2, 3 करके लिखा हुआ है. बट ये वाली जो, ये भी तो एक लिस्ट है ना, ये टेबल नहीं है कि भाई एक वर्ड है और सामने उसके कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, या एक वर्ड है उसका सामने उसके जुमले में इस्तेमाल किया हुआ है. तो ये भी एक तरह की लिस्ट होती है. टेबल में भी इसको कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में लिस्ट है ये. तो इस लिस्ट को बनाने के लिए ना ये डेफिनेशन लिस्ट का इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है HTML के अंदर. तो इसमें जो DT है यानी डेफिनेशन टर्म है, ये समझ लें आपके वो वर्ड है, और इसके आगे जो DD लिखा हुआ है ये आप समझ लें उसके सामने जो है वो उसको जुमले में इस्तेमाल किया हुआ है.
तो इस तरह की जैसे डिक्शनरी अगर आप खोलेंगे ना, तो डिक्शनरी में यही होता है कि एक वर्ड लिखा होता है, उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखी होती है। तो डेफिनेशन लिस्ट इन्होंने वहीं से उठाया बात। अच्छा, तो डेफिनेशन लिस्ट कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले कर रहा होता है, ठीक है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है ये, ठीक है। जस्ट दो टैग्स हैं एक्स्ट्रा जो हमने पहले नहीं देखे, दैट्स इट। और हम अब यही कर रहे हैं, आठ चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना, वो यही करेंगे। हम डिफरेंट नए नए मार्कअप्स को हम एक्सप्लोर करेंगे जो हमने पहले नहीं एक्सप्लोर किए, और ये इसी तरह हमारी HTML पूरी चलेगी। हाँ, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको आपने प्रैक्टिस में रखना है। तो अच्छा, दूसरा ये कि ये सारे मार्कअप्स, इसका यूजेज वहीं पर होगा जो, जैसे अगर कोई में डिक्शनरी बनानी पड़ जाए, क्योंकि ऑनलाइन डिक्शनरीज भी तो होती हैं ना। हाँ, तो वो डिक्शनरी का जो फॉर्मेट है, जो डिक्शनरी फिजिकल डिक्शनरी में जो होता है, उस तरह के फॉर्मेट की कोई भी चीज़ आपको वेबसाइट पे बनानी पड़ सकती है, ठीक है। वो काम टेबल से भी हो सकता है, बट उसके लिए प्रॉपर जो तरीका है वो ये, ठीक है। अच्छा, स्टिल इसकी सिमेंटिक वैल्यूज़ हैं, सिमेंटिक वैल्यूज़ है कि अच्छा जी ये टर्म है और इसकी ये डेफिनेशन है, तो वो सिमेंटिक वैल्यूज़ भी उसकी पकड़ रहा होता है ये। अच्छा जी, अच्छा लिस्ट जो है वो नेस्टेड भी हो। हाँ, मैं ये कह रहा था, जिक्र कर रहा था कि हम ये नए नए जो मार्कअप्स हैं ना, इसको एक्सप्लोर करने का एक तो ये कि हमें पता चल जाए, है ना। दो इसमें फैक्टर्स हैं जो हमने ध्यान में रखना है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है ना, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ये सारा कोड याद हो ज़ुबानी, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं याद, मुझे डेफिनेशन लिस्ट का जो सिंटैक्स है, मुझे ये सिंटैक्स ना मुझे नहीं याद, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से देखूँगा आगे, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सारा का सारा कोड जो वो लिखता है वो उसको याद हो। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो लोग नए आमतौर पे आते हैं फील्ड में, या इवन दो कि जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली काम नहीं किया होता, तो उनमें भी ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है। तो और पर्सनली मेरे बहुत करीबी लोगों ने ना कि अच्छा जी आप कंप्यूटर में आपने एडमिशन लिया था तो आपने छोड़ क्यों दिया, उसने कहा यार उसमें तो बहुत ना वो कोड याद करना होता है, इतना सारा कोड याद करना होता है, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तो सच बात ये कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इस कोड को ज़ुबानी याद रखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर कोड लिखेगा कैसे? लिखेगा वो ऐसे कि एक तो चीज़ें जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि H1 पैराग्राफ आपने देखा, वो मैं बगैर देखे लिख रहा था, लिस्ट LIUL जो था हमारा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो इमेज है जैसे, ये तो मैं बगैर देखे लिख रहा था, ठीक है ना। तो ये मैं बगैर देखे इसलिए लिख रहा था क्योंकि मैं ये डेली यूज़ करता हूँ, तो हाथ पे याद हो गया, सेट हो गया, तो अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, लेकिन वो भी अगर मुझे याद ना हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा याद, खुद ही हो जाएगा वो। लेकिन बाकायदा उसको याद करना इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है उसको। आप लिखेंगे खुद से याद हो गया, वो दैट्स इज अनदर थिंग, वो खुद से याद होगा, वो उसको याद कर नहीं सकते आप, और ना ही आपने करना है। अगर कोई कर रहा है याद तो गलत कर रहा है वो। अच्छा, फिर अब क्या होगा दूसरा? तो ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात ये होगी कि फिर याद रखने की बात कौन सी है? याद रखने की बात ये है कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, ये याद रखने वाली बात है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और वो क्या काम करते हैं। वो लिखा कैसे जाता है उसका कोड, वो याद रखने, वो तो देख लेंगे आप, वो तो बुक में है, बुक कहीं जा थोड़ी नहीं है। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर जब आप कहीं पे जॉब करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फ्रीलांसिंग करते हैं जब भी, तो ये बुक्स वगैरह कोई मना नहीं करता। बुक्स तो होती हैं आपके पास, पूरा कंप्यूटर भी होता है, इंटरनेट भी होता है, गूगल सब होता है। तो पूरी दुनिया में जब भी आप कहीं जॉब करेंगे, बाकायदा कोई काम करेंगे किसी भी फर्म में, किसी भी अपना खुद का भी बिजनेस चलाएंगे, तो वो ये थोड़ी बोलेंगे कि यार बुक क्यों खोल ली आपने। बुक खोलना मना नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स देख के ही सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और वो काम क्या करता है। कोड उसका देख लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। अच्छा, मैं इसको अक्सर कारपेंटर की मिसाल देता हूँ कि जी एक कारपेंटर के लिए ये ज़रूरी है ना कि कौन कौन से टूल्स होते हैं और उससे क्या काम होता है। तो अगर मुझे एक पीस ऑफ वुड है उसको मैंने काटना है, तो मैं कैसे काटूँगा, मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करूँगा? आरी होगी मोस्ट प्रॉब्ली कोई, तो क्या कहते हैं उससे मैं उसको काट लूँगा।
अच्छा फिर अगर मुझे कोई पीस ऑफ वुड है, लकड़ी है, उसको मैंने बराबर करना है, उसके ऊपर जो कुछ अगर ऊपर अनइवन सरफेस है उसको मैंने बिल्कुल सीधा करना है, तो उसके लिए रंदा करके टूल होता है, वो इस्तेमाल होगा उसके लिए। तो ये वाली जो बात है ना, अगर कोई कारपेंटर हो जिसको ये पता ना हो कि रंदा नाम का भी कोई टूल होता है या उसको प्लेन किया जा सकता है, अगर उसको ये ना पता हो तो फिर उसके कारपेंटर होने पे ना सवालिया निशान है। ठीक है, अब वो उसको ये पता होना चाहिए कि ये चलता कैसे, ये मतलब ये एक टूल होता है इस नाम का, उससे ये हो जाए, भले उसके पास वो टूल मौजूद ना हो, भले मौजूद ना हो उसके पास, क्योंकि जो छोटे मोटे कारपेंटर होते हैं उसके पास सारे टूल नहीं होते, वो जुगाड़ में कुछ चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देखें वो जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं ज़्यादातर, वो कील वील उनको ठोकनी पड़ती है तो वो प्लास से ही कील को खींच रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, हथौड़ी नहीं होती उनके पास। ठीक है, बट उनको पता होता है यार हथौड़ी से ये काम हो जाता है, हथौड़ी में एक ऑप्शन होता है कील ठोकने वाला, एक ऑप्शन होता है कील निकालने वाला। तो ये अवेलेबल टूल्स जो जो आपके पास हैं, आपको उसका अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अच्छा जी ये अवेलेबल टूल्स हैं मेरे पास और इनसे ये काम हो जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब देखें यहाँ पे जैसे वायरिंग हुई हुई है ना, वो अंदर हुई हुई है दीवार के, कंसील्ड हुई हुई है। अब मुझे अगर ये पता लगाना है कि ये जो बोर्ड है जिसमें से ये एसी का प्लग लगा हुआ है, अब ये बोर्ड अंदर उधर गया हुआ है या इधर गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है ये? अब ये मिसाल के तौर पर ये बोर्ड अगर ख़राब हो गया, इसकी वायरिंग ख़राब हो गई, तो मुझे तो इसकी तार को चेंज करना है ना, या मुझे दीवार को तोड़ के उसका वो पूरा निकाल के वो दूसरा लगाना है। तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा, बोर्ड को खोल के? हाँ नहीं, अच्छा चलो बोर्ड, हाँ ठीक है समझ गया मैं, बोर्ड निकाला हमने, हमने देखा अच्छा पाइप ना नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ अच्छा वो नीचे, अब वो कितना नीचे जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, पूरा ज़मीन के अंदर तो नहीं चला जाएगा, कहीं ना कहीं टर्न होगा वो, अब वो कहाँ तक नीचे जा रहा है, कहाँ से टर्न हो रहा है वो, अब ये कैसे पता चलेगा? नहीं, लोहे की तार से तो ये पता चलेगा कितना अंदर चला गया, लेकिन वो टर्न किधर हुआ ये कैसे पता चलेगा, इधर टर्न हो गया या इधर टर्न हो गया और किस पॉइंट पे जाके हुआ? हाँ नहीं, स्टील वायर ऐसे मैंने ऊपर से डाला यूँ इस बोर्ड के अंदर, अब इस बोर्ड पे डाला तो वो किस पॉइंट पे जाके इधर टर्न हुआ या इधर टर्न हुआ ये कैसे पता चलेगा? हाँ टी लगी हुई हो सकती है नीचे, या तो देखें इसका दो तरीका है, या तो ब्लू प्रिंट है कोई हो कमरे का कि अच्छा जी जब वायरिंग हुई थी तो इस तरह से हुई थी, तो ब्लू प्रिंट होगा तो उससे शायद पता चल जाए, लेकिन उससे भी शायद एक आध इंच की एक्यूरेसी ऊपर नीचे होती है करते हुए ना, एक्चुअल ब्लू प्रिंट में और एक्चुअल वायरिंग में, तो या तो कोई टूल होगा इसका, है ना। अच्छा कुछ टूल्स देखें मैंने आपको बताया था ना कारपेंटर वाले, वो आप लोगों को पता थे, अच्छा ये भी एक टूल होता है जो आप लोगों को नहीं पता, और ऑब्वियसली नहीं पता होना चाहिए, आप लोग इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हैं, लेकिन मैं मिसाल देने की बात कर रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ना अगर टूल पता नहीं होगा तो वो ब्लैंक कैसे ब्लैंक हो जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अगर सही टूल का नहीं पता तो वो कैसे ब्लैंक हो जाता है कि अरे ये अब मैं क्या करूँ, तो टूल्स का पता होना ज़रूरी है। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए एक टूल होता है, एक टेस्टर होता है, जो एक तो होता है ना कि टच करेंगे तार से तो बत्ती जलेगी, एक होता है कि दो इंच दूर से ही बत्ती जला देता है, वो एक ऐसा भी टेस्टर होता है, तो नहीं वो तो क्लैंप होता है, वो अलग है, उसके लिए तो क्लैंप के लिए ज़रूरी होता है कि तार दरमियान में हो और क्लैंप उसके ऊपर लगाएं आप, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तार, अच्छा उसमें भी दोनों तार पे नहीं लगा सकते आप, दोनों तार पे क्लैंप लगाएंगे तो ज़ीरो बताएगा वो आपने एक तार को अलहदा करके एक तार पे क्लैंप लगाना होता है फिर वो बताएगा, और लोड होगा तो बताएगा, यानी लोड बताने के लिए होता है अक्सर वो, उसमें आप वोल्टेज वगैरह भी बता देता है वो, वेल तो क्लैंप नहीं काम करेगा इसमें, इसके लिए होता है टेस्टर, और वो जो टेस्टर होता है ना, आपको मैं उसकी शक्ल दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है, अरे ये क्या खोल दिया इसमें, ये कुछ इस तरह का होता है, इसकी जो निब है ना आप देखें ये प्लास्टिक की निब है, लोहे की नहीं है ये, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसने जैसे ही करीब किया ना ये पूरे पे बत्ती जलाता है और ये बीप भी करता है। अच्छा और इसके ना वो अब इसमें कहीं ना कहीं अंदर स्पेसिफिकेशन में भी लिखा हुआ होगा कि ये ना कितने दूर से टेस्ट कर लेता है, ये 3 इंच से या 4 इंच से कितने दूर से टेस्ट कर लेता है, इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन में ये बात लिखी हुई होगी, नहीं लिखी हुई है इन्होंने, यहाँ पे
ये वाला हाउ टू यूज, जस्ट प्रेस द बटन, वाइट एलईडी कैन ऑलवेज बी एब्सेंस वोल्टेज ऑफ बीप साउंड एंड रेड फ्लैशिंग लाइट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज, टच द वायर विद द पेन निब एंड द रेड इंडिकेटर लाइट्स अप मीन वोल्टेज एग्जिस्ट. इन्होंने ये डिस्टेंस नहीं लिखा एक्चुअली, इन्होंने डिस्टेंस नहीं लिखा. हाँ हाँ, ये तो ये असल में इसीलिए इन्होंने बनाया है कि आप जैसे सॉकेट होता है ना, तो सॉकेट के अंदर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है. आप जब सॉकेट के जस्ट करीब लेके जाएंगे वो बत्ती जलाता है कि जी ये ऑन है. और इसमें जो कुछ थोड़े अच्छे वाले जो हैं वो इवन दो कि 3 और 4 इंच दूर से भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं. तो 3-4 इंच दूर का मतलब है कि दीवार तो होती 3-4 इंच की है, तो वो जैसे ही दीवार के आप करीब लेके जाएंगे ना, तो जहाँ जहाँ से वो करंट जा रहा है आप ऐसे उसको लेके चलेंगे ना करीब करीब, तो वो बत्ती जलती रहेगी. आप ऐसे ऐसे करेंगे वो बीच में एक जगह बत्ती जलाएगा, उसका मतलब है तार वहाँ से गुजर रही है. तो उससे वो पूरी मार्किंग हो जाएगी कि अच्छा जी यहाँ यहाँ से तार गई है. वो वहीं वहीं से तोड़ के उसको और वो तार को बाहर निकाल के उसने दोबारा से करके और प्लास्टर. क्योंकि अगर तो एक वायर चेंज करनी है ना, तब तो मैं खींच लूँगा स्टील विस्टील से, लेकिन समटाइम ज़रूरत पड़ती है कि वो जल जाता है अंदर, चपक जाती हैं तारें वारे, तो उस केस में फिर हमें पूरी वायरिंग बाहर निकालनी होती है. तो पूरे रूम में इस तरह वो पहले मार्किंग होगी कि कहाँ कहाँ से गुजरा है, और फिर उतने को ना वो हथौड़ी से तोड़ के और पूरी तार बाहर निकाल के अंदर कर देता. तो ये एक दफ़ा हमारे घर पे आए हमारे एक दोस्त, तो उन्होंने ये निकाला, जब उन्होंने लगाया मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने कभी नहीं देखी. तो कह रहे हैं कि ये टूल होता है, हमारे यहाँ लोग आमतौर पर यूज़ नहीं करते ये टूल, लेकिन ये टूल मौजूद है. अच्छा, इस तरह के उनके पास और भी कुछ टूल थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टूल थे सारे. तो वेल, तो अब आपको देखें एक आइडिया हो गया कि अच्छा जी अब ये हो जाता है, अब आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया. पहले आप ये सोच रहे थे कि अच्छा जी स्टील वायर डालूंगा तो वो कुछ होगा इस तरह, वो थॉट वहाँ पे रुका हुआ था. अब जब एडिशनल डेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया ना, तो आपका थॉट प्रोसेस, सोचने का जो अंदाज था, सोचने का जो तरीका था, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा. और आप इस टूल को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए हमेशा सोचेंगे, है ना. अच्छा, और ये एक ऐसी बात है, अजीब बात है कि वंस यू नो दैट ना, यू कैन नॉट अन नो दैट. वो के कोई जैसे मोबाइल में ना समटाइम वो एक डॉट होता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो दिख नहीं रहा होता, लेकिन कोई दोस्त लेता है ना, अरे यार ये तो तुम्हारे मोबाइल में एक स्पॉट है छोटा सा, अब वो दिखा देता है. अब वो यू कैन नॉट अनसीन दैट, अब वो हमेशा दिखता है. मेरे मोबाइल, मेरे पास जो इससे पहले फ़ोन था उसमें कुछ था पता नहीं, छोटा सा कोई बिल्कुल कोने में था स्पॉट एक. अच्छा, और वो ब्लैक रहता था. मैंने कभी नहीं देखा था वो. मेरा एक दोस्त लिया, अरे चेक तो कराओ ये, अरे यार ये तो तुम्हें स्पॉट वाला दे दिया है, इसमें तो एक डॉट है छोटा सा. अबे भाई वो मुझे अब रोज़ दिखे, और हर जब मैं फ़ोन उठाऊँ ना, एक सेकंड के लिए भी फ़ोन उठाऊँ तो मुझे वो दिखे. तो अब ये जो डेटा आपको मिल गया ना, ये जो डेटा मैंने आपको दे दिया है इसके बारे में, यू कैन नॉट अन नो दैट. अब आप इसको अन नो नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते, ये आपके ब्रेन में जा चुका है. अच्छा, तो अब मोस्टली क्या होगा कि यहाँ पर जो टूल्स का जिक्र एक दफ़ा हो जाएगा ना इस क्लास में, तो यू नो दैट टूल, आप उसको अननोन ही कर सकते. हाँ, लेकिन ये है कि भाई जब प्रैक्टिस आप छोड़ेंगे ना, तो अच्छी से अच्छी चीज़ भूल जाता है बंदा, ठीक है. अगर 4 साल का डॉक्टर जो पढ़ाई की है ना उसने, वो भी अगर प्रैक्टिस ना करे, तो थोड़े दिनों के बाद उसको ये भी याद नहीं रहेगा कि अच्छा सर दर्द में कौन सी दवा देते हैं या पैर के दर्द में कौन सी देते हैं, तो भूल जाता है बंदा, ठीक है. इवन दो के 10 साल के एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अगर आप एक आध हफ्ते या 2 हफ्ते कोडिंग ना ना करें, तो फिर क्या होता है कि जब दोबारा आप डेस्क पे बैठते हैं कोडिंग करने, तो थोड़ा हेड स्टार्ट होता है. इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ये हेड स्टार्ट, कि आप सर उठा के ना आपको पहले इधर उधर देखना पड़ता है पूरा, और अच्छे से सब अच्छा जी हाँ, तो हेड स्टार्ट लगता है आपको, चीज़ें भूल जाता है बंदा, थोड़ा सी चीज़ें रिकॉल करना पड़ता है. तो थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी सी दुश्वारी होती है. अच्छा, क्योंकि भाई ये मुश्किल काम है, ठीक है. तो मुश्किल काम के ही पैसे होते हैं, लेकिन मुश्किल जो आसान काम है उसके कोई पैसे नहीं है. आसान काम के कोई दुनिया में पैसे नहीं है. आसान काम का मसला ये है कि कोई दूसरा आपसे कम पैसों में करने के लिए तैयार हो जाएगा और बस आपकी गेम ख़त्म, ठीक है. मुश्किल काम जो होता है उसी के ही पैसे होते हैं. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो काम जितना मुश्किल है उतने ज़्यादा उसके पैसे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मिसाल के तौर पर एक पान की दुकान पर बैठ के पान बेचना, ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है. किसी भी बच्चे को मैं ट्रेन करूँगा तो वो शायद एक हफ़्ता उसको लगे या एक महीना लग जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना. या अगर कोई एडल्ट होगा, 30-32 साल का अगर बंदा होगा कोई, तो उसको तो शायद एक दिन ही लगेगा. उसको क्या पान को ऐसे सही करना होता है, और क्या होता है उसमें, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं.
तो दो तीन तरह के होते हैं अलग अलग, वो सब उसको याद कराने हैं बस एक दफ़ा, या पर्चे में लिख के लगा लेगा कि ऐसे, जैसे मैकडोनल्ड में होता है, मैकडोनल्ड में वो बर्गर कैसे बनता है ना उसकी रेसिपी दीवार पे चिपकी हुई है हर बर्गर की, तो वो देखता रहता है ऐसे, अच्छा पहले ये रखना है फिर ये रखना है फिर ये रखना है, और बस ये हो गया तैयार, तो वो मैंने लगा के दे दिया तो मसला हल है फिर। तो ये तो कोई टेक्निकल काम तो नहीं ना हुआ ये। अब वो कोई पान की दुकान वाला बोले कि यार मुझे 1,00,000 रुपये सैलरी चाहिए सर, मैं तो बड़ा वफादार हूँ आपका, और ये तो वो कभी भी कोई नहीं देता उसको। ऑन अदर एंड जो एक सिविल इंजीनियर है, जैसे ये जो रूम जिसने बनाया होगा या जो बिल्डिंग्स बनाते हैं बड़े बड़े, तो वो तो उसकी शुरू भी 10-15 लाख से शुरू होती है कहानी, अगर वो एक्सपीरियंस है और उसका नाम है मार्केट में, तो उसको लोग 10-15 लाख दे रहे हैं, पान वाले को नहीं दे रहे। वो रीज़न ये है कि इसका काम मुश्किल नहीं है। एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करने के 1,00,000 रुपये लेता है जो, तो वो इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन कोई और नहीं कर सकता, कोई और अगर करना चाहेगा तो उसको टाइम लगेगा। क्या कहते हैं, जितनी पढ़ाई इसने की है 4-5 साल, उसको एटलीस्ट उतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, फिर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन करना एक अलग मुश्किल काम है। आप इमेजिन करें ना कि आपके हाथ में ग्राइंडर है और आप रोज़ लोगों के सीने पे ग्राइंडर चला के उसको खोलते हैं और वो ब्लड रोज़ देखते हैं आप, तो ये आसान काम थोड़ी है। रात को नींद नहीं आती शुरू शुरू में जब होता है ना ये, रात को नींद नहीं आती, फिर बंदे को वही दिखता है कि यार मैंने अच्छा, फिर अगर कोई मर जाए अगर आपके हाथ से, ओफो, मैंने देखा है डॉक्टरों को ज़मीन पर लोट लोट के रोते हुए देखा है कि ये मेरे से क्या हो गया। हालांकि कुछ वो बंदा पहले ही आखिरी स्टेज पे होता है या होता, मतलब जाहिर है बंदे की एक उम्र अल्लाह ने लिखी होती है, तो वो बंदा वैसे ही मरने की कगार पे होता है, तो वो एक तो उसको हाथ नहीं लगाते, वो फिर अगर उनसे मर जाए ना वो बंदा, तो फिर वो रोते हैं बैठ के कि यार ये क्या कर दिया हमने। अच्छा वो डॉक्टरों ने बाकायदा लिखा होता है कि मेरे से वो जिंदा बचाया किसकी, उसको वो नहीं लिखा होता उसने, जो मर के जाए ना उससे, तो वो उसने लिखा होता है हाथ पे कि अच्छा मेरे से फला फला तारीफ को ना, एक बाबा जी था वो, उसका मैंने ये ऑपरेशन किया था ना बाईपास, तो वो बस मर गया मेरे से वो। अच्छा तो कॉन्क्लूड करते हैं इस बात को हम कि जी वो मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम के पैसे होते हैं। तो ये अगर कोई काम, जैसे ये काम है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मुश्किल है अगर ये, तो मुश्किल का मतलब ये नहीं आप समझें कि यार ये क्या हो गया, ये तो अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रिप्लेस करना अगर कोई चाहेगा तो उसको लगेंगे 2-3 साल, आसान नहीं है रिप्लेस करना। अच्छा तो ये DD सिंटैक्स है छोटा सा, ये आपने देख लिया, इसमें कोई ऐसी मतलब रॉकेट साइंस है नहीं। अच्छा आगे चलते हैं जी, इन्होंने ये जिक्र किया कि जो लिस्ट होती है ना वो नेस्टेड भी हो सकती है, कि जी एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट भी हो सकती है, तो कुछ इस तरह से दिखेगी अगर जो नेस्टेड लिस्ट हमने बनानी हो तो। हाँ तो इस तरह की भी लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। अच्छा और इसका जो कोड होगा वो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। अब आप देखें, एक ये UL इसने स्टार्ट किया और ये UL यहाँ ख़त्म किया है। अब ये पहला लिस्ट आइटम हो गया, लिस्ट आइटम 1। अब लिस्ट आइटम 2 जो था ना, इसको देखें ना, आपने शुरू किया इसने लेकिन ख़त्म नहीं इसने किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिस्ट आइटम जो ख़त्म हो रहा है ना, ये इधर ख़त्म हो रहा है, और आप देखें ये इधर, ये एक मुकम्मल लिस्ट एक इस लिस्ट आइटम के अंदर मौजूद है। तो आपने इस तरह करके इसको बनाना है अगर नेस्टेड लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है कभी भी। तो बस ये वही वाली लिस्ट है और नेस्टेड है ये। अब इसको इसने एक दफ़ा नेस्ट किया है, अब इसको 2, 3 या 4 दफ़ा भी नेस्ट कर सकते हैं, कि एक लिस्ट के अंदर जस्ट इसने एक लिस्ट बनाई है, आप एक लिस्ट के अंदर 2-3, फिर उसके अंदर मज़ीद एक लिस्ट, फिर उसके अंदर मज़ीद एक लिस्ट भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, तो हाँ हाँ नहीं, तो इसने UL के अंदर UL ही रखा है ना। हाँ है ना, अगर यहाँ पे इस UL को ना अगर मैं कर दूँ OL, तो वो बाहर वाला तो बुलेट होगा लेकिन अंदर वाला नंबर होगा। अच्छा ये जिस ये दोनों अनऑर्डर्ड है, तो दोनों ऑर्डर्ड भी हो सकती थी, ऐसा नहीं है कि वही अनऑर्डर्ड, और दोनों भी ऑर्डर्ड हो सकती थी, दोनों कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता था जी दोस्तों। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि जी, एक तो यहाँ पे ना ऑर्डर्ड लिस्ट जो इसने बनाई है वो 1, 2, 3 वाली बनाई है जस्ट, हमें उसमें समटाइम ABC भी लिखते हैं, समटाइम हम रोमन से भी उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो इसका क्या तरीका होगा? तो जी इसका तरीका ये होगा कि इसको हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल कहते हैं इसको, हम CSS में इसका जिक्र होगा लिस्ट स्टाइल का। तो जो नंबर वाली लिस्ट है उसके अंदर भी 2-3 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं HTML के अंदर, स्टाइलिंग के अंदर, CSS के अंदर, कि जी आप इसको नंबर वाला कर दें, आप इसको जो है ABC वाला कर दें, इस तरह 1-2 इसमें ऑप्शंस हैं। फिर जो बुलेट वाला है उसमें भी समटाइम ये सर्कल हमेशा तो नहीं ना होता,
कभी कोई डिफरेंट इसमें भी आपको हाँ लगाना पड़ सकता है। तो इसमें दो तीन जो स्टाइल है ना इसके, जो बुलेट वाले के, वो दिए हुए इन्होंने, हाँ वो सी एस एस के ज़रिए होगा। अभी मैं आपको ज़रा अगर ये खोल के दिखा दूँ कि लिस्ट स्टाइल टाइप, या देख रहे हैं इसने ये लिस्ट स्टाइल में क्या लगा दिया। तो ये सी एस एस करके देंगे हम, लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, डेसिमल है, जॉर्जियन है, ठीक है, ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं। वेल अभी इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझते, तो इस तरह करके हम इस पर लगाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। और इसके बुलेट की जगह पे ना हम इमेज भी लगा सकते हैं, है ना, जैसे क्योंकि हमेशा गोल तो सर्कल और स्क्वायर तो उसने बता दिया वहाँ पे, लेकिन अब मुझे सर्कल स्क्वायर कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ रॉकेट चाहिए जैसे उसने लगाया हुआ था कि यार रॉकेट बना हुआ है हर बुलेट पे, तो वो मैं उसके लिए इमेज का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जो सी एस एस में डिस्कस होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो था ना लिस्ट वाला, ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा तो 5 मिनट में ज़रा जल्दी से ना ये समरी पढ़ लें, फिर हम अगले चैप्टर को शुरू करते हैं।